हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे, और स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज मैं साबूदाना बड़ा जा रही हूँ बनाने, तो प्लीज़ बिना देर किए हुए चलिए आप रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, साबूदाना बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें साबूदाना, और मैं यहाँ एक कटोरी भर करके साबूदाना ली हूँ। मैं छोटा वाला साबूदाना यूज कर रही हूँ, आप छोटा बड़ा कोई भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ इसको मैं साफ़ करके अच्छे से धो करके इसको भिगो करके मैं रात भर के लिए रख दिया था। तो ये देखिए फूलने के बाद इतना हो गया है, लगभग मतलब ये आधा भगोना हो गया है। एक कटोरी साबूदाना था, फूल करके आधा भगोना हो गया है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें अब दूसरी चीज़ मुझे आलू ऐड करना है इसमें। और ये मैं 3 आलू पका करके छील करके ले ली हूँ। और इसको ये छोटा वाला जो कद्दूकस है ना, इससे ऐसे कद्दूकस कर लेना है जिससे उसमें गुठलियाँ ना हो। अच्छे से मैश करते बने, मिलाते बने, नहीं तो फिर ज़्यादा मेहनत पड़ेगी ना, गुठली हो जाएंगी, तो फिर गुठलियों को बराबर दबाना पड़ेगा। इसीलिए इससे कर लेंगे तो आसानी रहेगा, और उसमें गुठली भी नहीं पड़ेंगी आलू की, जो हाथ से मैश करने में या फिर उससे चम्मच से मैश करने में रह जाती हैं छोटी छोटी गुठलियाँ। इसको मैं अच्छे से इसी से कर ले रही हूँ, और ये अच्छे से हो भी जाएगा। और इसके बाद मैं धनिया और काली मिर्च और अदरक काट करके रखी थी वो डालूंगी। मैं हरा मिर्च नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको व्रत के लिए बना रही हूँ। और ये सेंधा नमक मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। और इस नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आलू और साबूदाना को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दे रही हूँ साइड के में थोड़ी देर के लिए। और ये यहाँ मैं मूंगफली को भून करके अच्छे से इसका छिलका उतार करके, और इसको मैं मिक्सी में थोड़ा सा एक बार के लिए चला लेती हूँ। एकदम महीन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही रहना चाहिए। उसके बाद मैं इसी आलू में इसको मिक्स करूँगी। तो ये देखिए ऐसे ही पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है, हल्का खड़ा ही रहे तभी इसको बंद कर देना है। मतलब एक बार ही चले मिक्सी, उतना ही मुझे चलाना है इसको। और इसको भी मैं इसी में डाल करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं चल रही हूँ किचन में। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और इसको मैं एक बॉल के आकार में लेना है, छोटा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, ना तो ज़्यादा छोटा, और एकदम मोटा भी नहीं करना है, ना तो बहुत पतला ही करना है। मोटा रखने में क्या होगा ना, अंदर अच्छे से पकेगा नहीं, कच्चा ही रह जाएगा। और आप जिस शेप में चाहे उस शेप में बना सकते हैं। मैं बड़े की तरह बना रही हूँ, जैसे बड़ा बनता है उड़द की दाल का, वैसे मैं बना रही हूँ। तो इस सबको मैं सारा बॉल्स मैं बना करके तैयार कर लूँगी, उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ देखिए मेरे सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। उसके बाद अब मैं चल रही हूँ फ्राई करने इन्हें। तो यहाँ मैं तेल पहले से ही गरम करके रखा था। मैंने इसमें ना मूंगफली फ्राई किया था, वही है, मूंगफली का छिलका निकल गया है और तेल एकदम अच्छा ही है। तो मैं ये तेल एकदम देख रहे हैं ना, एकदम अच्छा गरम हो गया है। तो मैं इसमें जितना बड़ा एक बार में आएगा उतना सारा बड़ा एक बार में डाल दूंगी। धीरे धीरे ही डालना है, नहीं तो फिर तेल ऊपर आएगा। और तेल एकदम अच्छा गरम है, तो उस और जितना भी बड़ा इसमें आएगा ना, उतना डालने के बाद गैस को हल्का मीडियम कर देना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं अंदर से जल्दी ऊपर से जल्दी पक जाएंगे और नीचे अंदर कच्चा ही रह जाएगा। इसीलिए धीमे आंच पे ही इसको पकाना है। और इसको देखिए ऊपर की तरह एकदम मतलब एक तरफ हल्का ब्राउन हो गया है, तो इसको मैं धीरे से पलट देती हूँ। और ये चिपकेगा नहीं, अगर चिपकेगा भी तो पकने के बाद ना अपने आप ही अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आलू और मूंगफली डाला गया है ना, तो ये चिपकेगा नहीं। और इसको अच्छे से उलट पलटते हुए चलाना है, और चलाते हुए देखिए ये कितना अच्छा इसका कलर आया है। और यहाँ ये पक गया है और कलर इसका बहुत अच्छा आया है, एकदम येलो येलो दिख रहा है ब्राउन। और इसको मैं निकाल ले रही हूँ, और इसी तरह मैं जो बड़ा बचा है ना, वो भी इसी तरह डाल करके पका ले रही हूँ।
धीमे आंच पे ही पकाना है क्योंकि तेल एकदम बहुत गर्म है। गैस को तेज नहीं करना है, धीमे आंच पे ही पकाना है। जिस पे है ना उसका फ्लेम, उसी पे ही पकाना है, मीडियम पे पकाना है, ना एकदम धीम और ना एकदम फास्ट पे। तो यहाँ देखिए ये मेरा ये भी बड़ा बन के तैयार हो गया है और इसको अब मैं निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे बड़े बन के तैयार हो गए हैं और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ देखिए मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ कैसा मेरा अंदर से ये बड़ा पका हुआ है। देखिए एकदम अच्छा और ऊपर से एकदम क्रिस्पी, नीचे से एकदम नरम मेरे बड़े बन के तैयार हुए हैं। तो आप चाहे इसको दही के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, जिससे आपका मन हो वैसे खाइए या ऐसे खाइए। उसमें नमक और काली मिर्च ये सब मिक्स करके डाली हूँ, तो चाहे आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और फ्रेंड्स, बेल आइकन ज़रूर दबाइए क्योंकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप लोग देख सकें। और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर, मिलती हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।